The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right. So kya dawa khate hain, kya dawa dete hain, kyun dawa dete hain doctors? Ulcer ke liye. Aur kyun aur kya karti hai wo dawaein? Aaiye samajhte hain. नंबर वन दवा जो दी जाती है वो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स पीपीआईज पेंटोप्राजोल ओमेप्राजोल इसोमेप्राजोल लेसोमिप्राजोल और प्राजोल 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 ये पंजाबी दवाई है इसमें प्रा आता है और जोल आता है प्राजोल जस्ट किडिंग सो ये पेंटोप्राजोल सुना ही होगा भाई कई लोग खा रहे होंगे ठीक है आप लोग जेनरिक नाम से जानते होंगे लेकिन ये है ब्रांड जेनरिक ब्रांडेड नाम से जानते होंगे पेंटॉप कोई पेंटॉप डी कोई पेंटॉप फूंटा फूंटा लेकिन पॉइंट इज इसमें होता है पेंटोप्राजोल इसमें होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर द पॉइंट इज हार्ट दबाते रहना है लाइक करना है वीडियो को पसंद आ रहा है तो और पॉइंट इज कि ये करता क्या है ये आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन कम करता है ये एसिड प्रोडक्शन कम करता है एसिड प्रोडक्शन कम होता है तो अल्सर्स हील होने में मदद मिलती है राइट और अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं ऐसी कोई दवा खा रहे हैं जिससे एसिड बनता है तो हम उससे भी इसके साथ में ये देते हैं ताकि एसिड कम बने आप आराम से खा पाए बंद ना करते दवा ये है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बिल्कुल ऐसी होते हैं एच टू ब्लॉकर्स यानी रैनिटिडीन राइट रैनिटिडीन टिडीन 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 बता ना वो ब्रिटानिया टिडीन 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 वो वाली टिडीन 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 नाम से जो भी दवा आती है वो होती है H2 blockers भी स्टमक में एसिड कम करते हैं परंतु ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स से थोड़े कम एसिड कम करते हैं इसीलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज्यादा चल गए वो कम चल गए पर दोनों ही चलते हैं आजकल के डेट थर्ड दवा जो आप सभी खाते हैं डाइजीन जेलोसिल पता नहीं क्या क्या आ गए आजकल म्यूकेन जेल जो लिक्विड आता है उसमें होता है सिमिथिकोन क्या है ये बचपन में सबने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि पानी के ऊपर एक सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन की वजह से जब आप साबुन वाले पानी को फुग्गे से फुलाते हो तो उसका गुब्बारा बन जाता है वो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन बनता है और जब आप ऊपर से गुब्बारे को टप करते हो तो वो फट जाता है बिल्कुल ऐसा ही कुछ सरफेस टेंशन आपके स्टमक के अंदर भी बनता है ताकि गुब्बारे पे गुब्बारा बनता है और आपका स्टमक ब्लोटेड फील करता है वो होती है गैस गैस्ट्राइटिस तो सिमिथिकोन नाम का जो चीज है जो जेलोसिल में है जो डाइजीन में है जो म्यूकेन जेल में है वो जाके सरफेस टेंशन कम कर देता है तो ये फट 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 जाते हैं सारे गुब्बारे और कुछ ऐसे ही काम आपका पुदीन हरा भी करता है पुदीन हरा सो ये दवा हुई ये इसका अल्सर पे ज्यादा काम नहीं है लेकिन फिर कर ले क्योंकि इसमें सिर्फ सिमिथिकोन नहीं होता इसमें कई बार होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम दूसरा होता है मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम और दूसरी चीजें होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये क्या करती है मैग्नीशियम ज्यादातर ये क्या करती है ये होता है आपके इसी में होता है डाइजीन वाइजीन में ये जाता है एसिड के अंदर स्टमक के और एसिड में घोल के एसिड को कर देता है न्यूट्रलाइज तो न्यूट्रलाइज एसिड जो हो जाता है न्यूट्रलाइज मतलब पूरा का पूरा तो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा वरना आपका खाना पचेगा ही नहीं तो थोड़ा बहुत उसकी एसिडिटी हो जाती है कम और इसी चक्कर में आपके हो जाते हैं गैस कम और इसी चक्कर में आपको आराम मिल गया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वालों को आराम मिल जाता है ऐसे खास करके क्योंकि उनके एसिड जो ऊपर आ रहा है बहुत ज्यादा एसिड ऊपर आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसलिए वो लोग जब ऐसी चीज लेते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है एसिडिटी कम होकर कम एसिड वाला ऊपर आता तो कोई दिक्कत नहीं होती बहुत ज्यादा स्पीड बोल दिया कोई बात नहीं समझने वाले को इशारा काफी है एनीवेज सो ये है मैग्नीशियम सल्फॉल्ट सिमिथिकोन और लास्ट में आप लोग लेते हैं इनो दे झट से आराम वो भी यही करता है एसिडिटी कम करता है बस और कुछ नहीं करता स्टमक में जाके स्टमक के अंदर की जो एसिडिटी है एसिड वो क्या है इनो क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है H2 से मिलके पानी बना देता है स्टमक के अंदर जाता है एसिड से मिलता है पानी बना देता है बस एसिड कम थोड़ा सा आराम हाँ. आराम दैट्स हाउ द
मेडिकेशंस ऑफ अल्सर वर्क्स। तो हर एक में अलग अलग कॉम्बिनेशन डाइट के साथ और बाकी एडवाइस के साथ, ये मत खाओ वो मत खाओ के साथ देने से आप ठीक हो जाते हैं। तो किसको क्या दवा देनी है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर। राइट, थैंक यू सो मच।